हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्यूबिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर किसी क्यूबिक के रूट्स गिवन है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि इस क्यूबिक के रूट मुझे आपको पता है अल्फा बीटा गामा। अब मेरा क्वेश्चन, एक ऐसी नई क्यूबिक आप बना के दीजिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन हो, अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन, गामा माइनस वन हो, मतलब 6-7 पार्ट मैंने बना दिए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमको दिखती रहती है, है ना। तो ये पार्ट हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, ये जो क्यूबिक गिवन है इसके रूट क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। अब हमको नई ऐसी क्यूबिक बनानी जिसके रूट अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन हो। तो मैंने सपोज किया मैं नई क्यूबिक वेरिएबल बाई में बना रहा हूं, नई क्यूबिक बाई वेरिएबल बना रहा हूं, क्योंकि ये जो पेरेंट क्यूबिक है ये एक्स वेरिएबल में है। तो नई क्यूबिक में बाई वेरिएबल बना रहा हूं, यानी नई क्यूबिक में बाई की ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मेरे को ऐसी क्यूबिक बनानी है जिसके रूट ये और ये हो, है ना। तो मैंने सपोज किया नई क्यूबिक में बाई वेरिएबल बना रहा हूं, तो बाई की ये वैल्यू न्यू क्यूबिक का रूट होगी, न्यू क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से एक काम करना है, यहां से अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज वाई माइनस वन, अल्फा निकल आया। एंड अल्फा इज ए रूट ऑफ द पेरेंट क्यूबिक, अल्फा पेरेंट क्यूबिक का रूट है, तो रूट है, तो ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए, अल्फा क्यूब माइनस फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स अल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आ रही बात समझे, और बस आपको वो क्यूबिक निकालनी, तो जो अल्फा की जस्ट अभी हमने वैल्यू निकाली थी उसको उठा के आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो अल्फा अप्लाई करते हैं आपको क्या मिलेगा, वाई माइनस वन का होल क्यूब माइनस फाइव इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में, तो इस क्यूबिक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एक प्रॉपर फॉर्म भी मिल जाएगी उस क्यूबिक की, जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन, ठीक है ना। एक बार रिपीट करते थे, क्योंकि एक पार्ट से हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अगर पहला पार्ट समझ में आ जाए। रिपीट करता हूं, इस क्यूबिक के रूट थे अल्फा, बीटा, गामा। मेरा क्वेश्चन था मुझे आप ऐसी नई क्यूबिक बना के दीजिए जिसके रूट अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन हो। तो मैंने क्या बोला, मैंने सपोज किया मैं नई क्यूबिक बाई वेरिएबल में बना रहा हूं, है ना। तो उस नई क्यूबिक में वाई इक्वल टू अल्फा प्लस वन उसका रूट होगा, यानी उस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा की वैल्यू क्या है, बाई माइनस वन। लेकिन अल्फा क्या था, अल्फा जो था पेरेंट क्यूबिक का रूट था, अल्फा इस पर क्यूबिक का रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दिया इसको सेटिस्फाई, है ना। और अल्फा की जस्ट अभी वैल्यू निकाली थी वो उठा के यहां पर पुट कर दी, है ना। कुछ बच्चे कहें सर आपने तो केवल अल्फा ही पुट किया, बीटा गामा को छोड़ दिया। तो यार ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये हम तभी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं जब जैसे इवेंट अल्फा के साथ तो वैसे बीटा, वैसे गामा के साथ, तो सभी के साथ देखिए सिमिलर इवेंट है। माइनस यहां लगा तो माइनस यहां लगा, अगर यहाँ पे अल्फा प्लस वन है, यहाँ पे बीटा प्लस टू है और यहाँ पे कुछ और, तो हम ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तभी होगा जब तीनों रूट में सिमिलर चेंज दिखाई दे रहा हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर लेंगे। बाई क्यू माइनस थ्री बाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस वन माइनस फाइव टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री। चलिए वाई क्यू और वाई स्क्वायर का टर्म क्लब करो, माइनस थ्री और प्लस सॉरी माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस थ्री माइनस फाइव मीन्स माइनस एट वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वाई के टर्म देखते हैं, थ्री वाई आएगा प्लस का प्लस टेन, थ्री प्लस टेन कितना थर्टीन, थर्टीन प्लस सिक्स कितना आएगा नाइनटीन, नाइनटीन बाई। कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो माइनस वन यहां से आएगा, माइनस फाइव यहां से, माइनस वन माइनस फाइव मतलब माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स और माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन। तो ये क्यूबिक आ गई है, तो ये जो बाई वाली क्यूबिक है इसके तीन रूट है, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन। आ रही बात बच्चों को समझ में, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर सेकेंड पार्ट करना हो तो मैंने कहा कि यार मुझे ऐसी नई क्यूबिक बना के दो जिसके रूट क्या हो, अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस वन और गामा माइनस वन हो। तो फिर से वही कहानी, मैंने सपोज किया नई क्यूबिक में बाई वेरिएबल में बना रहा हूं, तो बाई की ये वैल्यू नई क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगी, वाई इक्वल टू अल्फा माइनस वन, ठीक है ना। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बाई प्लस वन, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, बाई प्लस वन, और अल्फा जो है इस क्यूबिक का रूट था, तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा डाल यहां पुट कर दीजिए आप, और जैसे अल्फा पुट करेंगे आपको नई क्यूबिक मिल जाएगी, पिक्चर क्या मिलेगी, बाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स बाई प्लस वन का होल स्क्वायर
सॉरी यहां पे होल क्यू है, होल स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स वाई प्लस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसको ओपन कर लेंगे नहीं क्यूबिक आ जाएगी, है ना। अब जब हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं तो अब हम सीधा बाकी पार्ट के लिए सीधे एक लाइन की अप्रोच बताएंगे। पहले पार्ट में देखना है इसके रूट अल्फा बीटा गामा थे और मैंने बोला रूट में इंक्रीमेंट क्या हुआ है, अल्फा प्लस वन, मतलब वन इंक्रीज हो गया रूट। तो जब रूट में वन इंक्रीज हुआ है तो यहां पर मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया, वाई माइनस वन। अगर इंक्रीज होगा तो हम डिक्रीज करेंगे और यहां पर हमें क्या चाहिए था, अल्फा माइनस वन चाहिए था। तो ऑब्वियस बात, अगर मैं अल्फा माइनस वन को वाई बोलूंगा तो अल्फा क्या आएगा, वाई प्लस वन, यानी रिवर्स चेंज आएगा। यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आ गया और यहां पर माइनस है तो देखो यहां पर क्या आया, प्लस। तो रिवर्स चेंज करना है। यहां पर क्या आएगा, ये अगर मुझे इस क्यूबिक का रूट अल्फा बीटा गामा पता है, मुझे ऐसी क्यूबिक बनानी जिसका रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो, तो बस एक छोटा सा काम करो, इसी में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स को माइनस एक्स से। और ये सब चीजें बहुत फास्ट होनी चाहिए क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं इस पर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इनका यूज होता है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम में। समझ में आया क्या? तो इसके रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा वाली अगर क्यूबिक चाहिए, मैं छोटी सी बात बोलूंगा, एक्स को सीधा माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये क्यूबिक आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, सही है ना। थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब अगर फोर्थ पार्ट करना है, वन बाई अल्फा वन बाई बीटा वन बाई गामा, तो इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, हमें रूट का रेसिप्रोकल लेना है। अगर आप सपोज इसको बाई बोलोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन बाई, अल्फा क्या आ जाएगा, वन अपॉन बाई। यानी फोर्थ पार्ट करना तो इसी में एक्स को भी से रिप्लेस कर दो, वन अपॉन एक्स से। तो एक्स को वन अपॉन एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सही है क्या। अब एक्स क्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई, वन माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस टू जीरो। आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइव एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये वो क्यूब डायरेक्टली आ गई जिसके रूट वन बाई अल्फा वन बाई बीटा वन बाई गामा, ठीक है ना। अच्छा, अब इस तरह की कोई पिक्चर हो जैसे मैंने ये बनाई है, थोड़ा सा अजीब से दिख रही है, नो प्रॉब्लम, सिमेट्री दिख रही है, जैसा अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ है, वही गामा के साथ है। तो क्या कर लेना चाहिए, इस रूट को एक नया नाम दे देना चाहिए, इसको मैंने वाई सपोज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा को इन टर्म्स ऑफ वाई डिफाइन कर लो, अल्फा वाई माइनस वाई टू अल्फा प्लस थ्री। अल्फा निकालना है तो अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, इसको लेफ्ट में ले आओ वाई माइनस टू, इसको राइट में ले जाओ थ्री प्लस वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर, अल्फा आ गया वाई प्लस थ्री अपॉन वाई माइनस टू, सही है ना। इसका और अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मुझे ये वाली क्यूबिक बनानी है तो एक्स को किससे बच्चे रिप्लेस करेंगे। अच्छा, वेरिएबल को एक्स बोलो वाई बोलो फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैं समझाने के आपको बोल देता हूं। तो एक्स को इससे रिप्लेस कर दो तो नई क्यूबिक आ जाएगी, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है होल क्यूब है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, एक्स प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू जीरो, कुछ ऐसी सीन बन जाएगा। एक्स माइनस टू के होल क्यूब से एलसीएम भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्वेश्चन बन गया जिसको आप आराम से घर पर प्यार मोहब्बत से इसको ओपन कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ओपन करना यार, नहीं तो ऐसे ही रखे रह देना। मेरा आइडिया था आपका प्रो समझ आनी चाहिए, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फॉर्म ए क्यूबिक हूज रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक ऐसी क्यूबिक बनानी है जिसके रूट इस क्यूबिक के रूट्स के क्यूब हो। पहले क्यूबिक नोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये मैंने क्यूबिक रूट नोट कर ली।
और इस क्यूबिक के तीन रूट मैंने लिख कर लिए अल्फा बीटा गामा, है ना। तो हमको जो क्यूबिक बनानी है उसके रूट क्या होंगे, इसके रूट के होल क्यूब यानी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, ये वाली क्यूबिक बनानी है, है ना। तो मैंने लेट कर लिया नई क्यूबिक, भाई मेरी पुरानी स्टोरी मैं बाई वैल्यू में बनाता हूँ, तो बाई की ये वैल्यू उस नई क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगी, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू अल्फा का होगी, अल्फा क्या है बाई की पावर 1/3, पर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अल्फा को सेटिस्फाई करा दो तो बाई बन जाएगा, ये आ गया। अच्छा मेरे को क्यूबिक बनानी थी, तो ये जो फ्रैक्शनल पावर है इसको हटाना है यहां से, तो सबसे अच्छा तरीका ये कि इनको आप ले जाइए राइट साइड में और इस पिक्चर का क्यूब कर दीजिए टू अवॉइड द फ्रैक्शनल पावर्स। तो व्हाट वी गेट इज फ्रॉम हियर, बाई प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू -27 बाई स्क्वायर, ओपन कर लीजिए बाई क्यूब प्लस बायनोमियल थ्योरम 3y² इंटू 2 इट मीन 6y² प्लस 3y इंटू 4 आई होप 12y, है ना, प्लस बी क्यू मीन्स 8 और प्लस 27y² ये क्यूबिक बन रही है। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने तो कोशिश की मिस्टेक ना हो, y क्यूब प्लस 33y² प्लस 12y प्लस 8=0 समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये कुछ बेसिक टाइप का रहता है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गिवन, गिवन इक्वेशन x³ - 2007x प्लस 2002=0 हैज रूट्स आर एस टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ r-1/r+1 s-1/s+1 t-1/t+1 ये वैल्यू निकाल ली है। अब आपसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन एक्चुअली इस टाइप का आया था, आता है एक्चुअली इंडिया नहीं है, आयरलैंड में आई हुई प्रॉब्लम है, तो बहुत ही एलिमेंट्री है, बच्चों वाली प्रॉब्लम है। तो कैसे करेंगे इसको, तो इस क्यूबिक के रूट मेरे को आर एस टी गिवेन है, मुझे एक ये सम निकालना है। तो मेरा ये इंटेंशन है कि यार मैं एक ऐसी नई क्यूबिक बनाना चाहता हूं जिसके रूट ये और ये हो। अगर मैंने ऐसी क्यूबिक डिजाइन कर दी जिसके रूट ये और ये और ये है, तो बस वहां से मेरे को एक सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा देना, तो सम ऑफ रूट निकालते क्वेश्चन दी एंड, ठीक है ना। चलिए करते हैं डिस्कस। तो देखिए मैंने सपोज किया भाई मेरी पुरानी कहानी, फिर वही कहानी याद आई, नई क्यूबिक में बाई वेरिएबल बना रहा हूं y² r-1/r+1, बस मेरे को क्या चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके r को इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन करिए, तो r y + y = r-1 r को शिफ्ट कर लिया, कॉमन ले लिया y-1, यहां से माइनस कॉमन लिया 1+y, तो r की वैल्यू आ गई y + 1/1-y एंड r इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक, आर इस क्यूबिक का रूट है, आर इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, करा दो सेटिस्फाई, y+1/1-y का होल क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1+y का होल क्यूब -2007 इंटू 1+y इंटू 1-y का होल स्क्वायर प्लस 2002 इंटू 1-y का होल क्यूब, ठीक है ना, देख रहे ना। चलिए ओपन कर लेते हैं इसको, तो 1+3y + 3y² + y³ - 2007 1+y - 1+y² - 2y प्लस 2002 1-3y + 3y²
माइनस वाई क्यू है ना, आप थोड़ा सा केयरफुली चलना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट अगर नीचे निकाल लिया जाए थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वाई मीन्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई क्यू और माइनस टू वाई स्क्वायर मीन्स यहां पर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है यहां पर। अब चलते हैं तो वाई क्यू प्लस थ्री वाई स्क्वायर थ्री वाई प्लस वन, इधर पहले ब्रैकेट से आएगा, दूसरे ब्रैकेट से आएगा वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ये सेकेंड ब्रैकेट से आ गया, और थर्ड ब्रैकेट से ही आएगा टू थाउजेंड टू प्लस का है ना माइनस वाई क्यू प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस वन। अच्छा, मेरे को जो नई क्यूबिक आ रही है उसका क्या चाहिए, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट निकालने के मेरे को सिर्फ दो काम करने हैं, तो लीडिंग कोफिशिएंट वाई क्यू का कोफिशिएंट चाहिए और एक वाई स्क्वायर का, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। तो केवल फोकस करो वाई क्यू पर, वाई क्यू का कोफिशिएंट प्लस वन यहां से माइनस टू थाउजेंड सेवन यहां से माइनस टू थाउजेंड टू यहां से एड करो इन दोनों को, तो टू थाउजेंड सेवन प्लस टू थाउजेंड टू कितना हो गया फोर थाउजेंड नाइन माइनस का, और वन सेपरेट कर दो तो माइनस फोर थाउजेंड एट वाई क्यू, सही है ना। अब वाई स्क्वायर को देखो, थ्री वाई स्क्वायर है यहां पर टू थाउजेंड सेवन है प्लस माइनस का, और यहां पर है टू थाउजेंड टू थ्री जा देख लेते हैं, टू थाउजेंड टू थ्री जा क्या होता है सिक्स थाउजेंड सिक्स, ये प्लस का है ना, सिक्स थाउजेंड सिक्स है प्लस का और प्लस थ्री सिक्स थाउजेंड नाइन, ये तो प्लस वाला हो गया, और माइनस वाला कितना है, नहीं माइनस वाला थोड़ी ना है, ये भी प्लस वाला ही है सर, ये थ्री है और ये टू थाउजेंड सेवन है, यह सारे प्लस हैं, सारे ही प्लस हैं, 2007 अगर मैं ऐड कर दूंगा 9 प्लस 7 16 आ जाएगा, 0 0 ना 0 क्यों आएगा 1 आएगा 6 2 8 8016 इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिगर बिकॉज ये बड़े प्यार से कनेक्ट हो रहा है बाकी के साथ, क्या होगा सम टाइम वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, बाकी की दुनियादारी से कोई मतलब मुझे नहीं है। तो ये जो क्यूबिक बन रही है इसका सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो इसके रूट क्या होंगे, एक तो ये रूट होगा, एक ये रूट होगा और एक ये रूट होगा, तो डायरेक्टली मुझे इन तीनों रूट का क्या चाहिए सम, तो सम ऑफ रूट एक एक रूट के सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक फॉर्मूले में माइनस आता है ना, और एक नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल टू आ गया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी टू, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ऑर्डिनरी था, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई निकालना, जेड निकालना और ये कंडीशन प्रूफ करनी है। तो जो हमारे रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट हैं, जो ट्वेल्थ पास आउट हैं, तो वो देख के ही समझ जाते हैं सर ये तो क्रेमर्स रूल मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, तो वहां पर क्रेमर रूल पढ़ा जाता है, एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट डी वन बाई डी वाई डी टू बाई डी जेड डी थ्री बाई डी है ना, तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से करने हो तो जाएगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही प्यारी से एक एलिगेंट सी सिमेट्री बन रही है, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाए। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा केयरफुली देख रहे हैं क्या,
तो मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट इक्वेशन में जैसा ए के साथ हो रहा है सेम सेकंड इक्वेशन में बी के साथ हो रहा है। देखिए बी क्यू बी स्क्वायर बी ए क्यू ए स्क्वायर ए है ना, और वही कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। और तीसरी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में वैसे ही सी के साथ हो रहा है सी क्यू सी स्क्वायर सी एक्स वाई जेड है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों इक्वेशन में एक सिमेट्री दिख रही है, तो तीनों की सिमेट्री को ऑब्जर्व करते हुए मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन कंसीडर कर ली। कंसीडर एन इक्वेशन ए क्यू ए मतलब एबीसी को जनरली मैंने एक्स दे दिया पर एक एबीसी को जनरली मैंने टी दे दिया और एक इक्वेशन कंसीडर कर ली एक्स प्लस टी वाई प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू टी क्यू। एबीसी को जनरली टी दे दिया, इसको टी से रिप्लेस कर दिया, एक नई इक्वेशन बना ली, देख रहे हैं क्या। अब देखिए अगर इस क्यूबिक में मैं टी को ए पुट करता हूं पहली सेटिस्फाई हो जाएगी, टी को बी पुट करता हूं दूसरी सेटिस्फाई हो जाएगी, टी को सी पुट करता हूं थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये जो मैंने क्यूबिक बनाई इसके थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, कौन कौन से ए बी और सी, समझ में आया क्या। तो इस क्यूबिक को ऐसे ले सकते हैं टी क्यू माइनस टी स्क्वायर जेड माइनस टी वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तीन रूट है ए बी सी। तो एक बार एक एक रूट का सम लगाओ, एक एक रूट का सम लगाओगे तो जेड आ जाएगा, दो दो के प्रोडक्ट का सम लगाओ, दो दो के प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये क्या आएगा दो दो के प्रोडक्ट सम का क्या फॉर्मूला आएगा माइनस आ जाएगा, तो उसमें प्लस होता है, तीनों का प्रोडक्ट लगाओगे तो ये फॉर्मूले माइनस होता है, ये माइनस है ये एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए यहां पर, तो एबीसी की वैल्यू क्या है एक्स सिग्मा ए बी है माइनस वाई माइनस पहले से है तो एक्स प्लस वाई बन जाएगा और सिग्मा ए क्या है जेड। तो वन नाइन क्वेश्चन है अगर आप इसकी सिमेट्री को ऑब्जर्व कर लेते हो तो, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, है ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।